आगे बढ़ते हैं हम लोग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, होने क्या क्या जरूरी है। पहला बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे इसको पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला बोला गया टाइम ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में क्या होता है कि जब आप इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं उस मोमेंट पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के न रहने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ लाइफ इंश्योरेंस की बात आ रही है, तो जो आपके डिपेंडेंट्स है, आपकी फैमिली है, आप उनका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो आपकी खुद की फैमिली है। तो द मोमेंट आप इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने के लिए गए, उस मोमेंट पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये इंश्योरर जो कंपनी है वो इस चीज को चेक करती है। दूसरा बोला जा रहा है फाइनेंशियल रिलेशनशिप। आप सिर्फ अपने उन लोगों का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिनके साथ आपका एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, जैसे अपने मदर जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आपके फादर, वाइफ हो सकती हैं अगर हस्बैंड करा रहा है, अगर वाइफ करा रही है अपने हस्बैंड के लिए तो हस्बैंड, चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रन के लिए एक मैरिज की पॉलिसी आती है और एक एजुकेशन की पॉलिसी आती है। तो यहां पे जो रिलेशनशिप है वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। अगर फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होगा तो आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को पसंद करता है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है। तीसरा बोल रहे हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी वैलिड। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है वो वैलिड होना बहुत जरूरी है। ये इंश्योरर जो कंपनी है, इंश्योरर वो चेक करता है, जब आप पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे आपका कंसेंट लेता है कि क्या आप चाहते हो कि आपकी पॉलिसी हो, क्या आपको सारे टर्म्स कंडीशंस मंजूर हैं। अगर इन शॉर्ट जो पॉलिसी लेने गया है वो कह देता है हाँ मुझे सारे टर्म्स कंडीशंस मंजूर हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इंश्योरर इसको वैलिड बोल देता है और प्रोसीजर आगे बढ़ता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी डेफिनेट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट डेफिनेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रपोजल। जब इन शॉर्ट जो प्रपोजर है, प्रपोजर मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी लेने से पहले प्रपोजल होता है, प्रपोजर होता है, जो प्रपोजल देता है कि हमें चाहिए इंश्योरेंस की पॉलिसी, हम लेना चाहते हैं, उसको जब इंश्योरेंस की पॉलिसी मिल जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इंश्योर्ड में। तो जो प्रपोजल फॉर्म में जमा किया जाता है उसमें ये चीज चेक की जाती है कि क्या आपका पॉलिसी लेने के टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ क्लेम, जब क्लेम लेने के लिए जाते हैं मेच्योरिटी के टाइम पे या एक्सीडेंटल डेथ के टाइम पे, उस मोमेंट पे इंटरेस्ट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस वक्त आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं उस वक्त आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी। अगला है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बोला जा रहा है द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी टू द एक्सटेंट दैट इट फॉर्म्स लीगल एंड वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, जो लॉ द्वारा गवर्न करके लीगल कॉन्ट्रैक्ट के नजरिए से बोला गया है, आपने वो सारी की सारी चीजें फुलफिल की हैं तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर उसमें से एक भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं फुलफिल की गए हैं तो उसे हम इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे या वॉइड एब इनिशियो कंसिडर किया जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जैसे कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर जो कंपनी होती है और एक होता है इंश्योर्ड। अब यहां पे जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी लेने के लिए गया है, जिसने पॉलिसी करवा रखी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी के पूरे अपने जो भी मटेरियल डिटेल है, जो भी उसका मटेरियल फैक्ट है, जो भी उसकी लाइफ के बारे में डिटेल है, जो भी प्रपोजल फॉर्म में बोला गया है भरने के लिए, उसने सारी की सारी जानकारी इंश्योरर को सही सही लिख करके भरी है। और यही प्रिंसिपल ऑफ वारंटी में जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ वारंटी में कंपनी गारंटी देती है रिटर्न फॉर्म में। वारंटी का मतलब होता है रिटर्न गारंटी। कंपनी वारंटी लेती है लिखित में कि अगर आपने, जो इंश्योर्ड है उसने अगर अटमोस्ट गुड फेथ दिखा करके इंश्योरर मतलब कंपनी को जो फॉर्म भर करके दिया है उसमें सारी जानकारियां बिल्कुल सही है, कोई भी जानकारी आपने छुपाई नहीं है, गलत नहीं दी है, तो ये वारंटी लेते हैं कि अगर एट द इवेंट ऑफ क्लेम हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, हम आपको पूरा का पूरा क्लेम देंगे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रोक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रोक्सिमा को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब एक हिसाब से जो अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, एक्सीडेंटल डेथ। अब एक्सीडेंटल डेथ में जैसा कि हमने बोला डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट होता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो अगर किसी एक्सीडेंटल किसी इंसान ने 5 लाख की पॉलिसी ली थी और उसका अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो कंपनी उनकी फैमिली को 10 लाख का क्लेम पे करेंगी, सम अश्योर्ड जिसे हम कहते हैं, ये पेड बाय द कंपनी उनके
जो भी उनके नॉमिनी होंगे। दूसरा बोलते हैं यहां पे सुसाइड। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के एक साल के अंदर अंदर अगर किसी इंसान ने सुसाइड कर लिया किसी भी रीजन से, कंपनी कोई क्लेम पे नहीं करेगी। और एक साल के बाद अगर कोई सुसाइड करता है तो कंपनी वेरिफिकेशन करेगी, सारा का सारा जानकारी इकट्ठा करेगी कि कहीं ये पहले से तो प्लानिंग नहीं थी, जो भी चीजें हैं वेरिफिकेशन करने के बाद ही पेमेंट होगा। तीसरा होता है वॉर रिस्क। अब वॉर रिस्क, अगर कोई इंसान, जैसे जनरली अगर किसी इंसान ने इंश्योरेंस कराया और किसी दूसरे देश ने हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया और उसमें जान चले गई, तो कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी। लेकिन जो लोग लड़ाई में खुद जाते हैं अपना इंश्योरेंस करवा करके, जैसे आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये तो जंग पे जाते ही है, तो इनका जो इंश्योरेंस होता है उसमें इनका जो, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर कोई शहीद हो जाता है तो वहां पे ये सम अशोर्ड पे करते हैं, क्योंकि इनके जो एम्प्लॉयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है। तो क्योंकि ये देश के लिए जान दे रहे हैं, देश के लिए शहीद हो रहे हैं, तो यहां पे पूरा का पूरा सम अशोर्ड पे किया जाता है जो एम्प्लॉयर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेती है। लेकिन अगर इनको छोड़ करके और कोई जंग पे जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, जो खुद से जंग पे जा रहा है और वो कंपनी को बता करके जा रहा है इंश्योरेंस करा करके कि हम अपने देश के लिए मतलब इनफॉर्मल वे में लड़ने के लिए जा रहे हैं, अगर उनका डेथ हो जाता है तो कंपनी पेड अप वैल्यू पे करती है, जितना भी उन्होंने प्रीमियम भरा है, या सरेंडर वैल्यू पे करती है। तो ये कंडीशंस हो गया। इंडेमनिटी नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। देखिए इंडेमनिफिकेशन का मतलब ये होता है, इंडेमनिफिकेशन का मतलब ऐसे समझिएगा कि ये बेसिकली जनरल इंश्योरेंस में होता है। जनरल इंश्योरेंस में अगर किसी की जान चली जाती है, वैसे जनरल इंश्योरेंस में किसी की जान जाती नहीं है, जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। और जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिफिकेशन से मतलब होता है, लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिफिकेशन से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आप किसी की लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकते, वहां पे आप कंपनी जो है वो गारंटी लेती है सम अश्योर्ड पे करने के लिए, जो आप पॉलिसी लेने के टाइम डिसाइड करते हो। जनरल इंश्योरेंस जिसे हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, वहां पे मान लीजिए अगर, पहली बात तो वहां पे लाइफ का इंश्योरेंस होता नहीं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो दूसरी कैटेगरी है। जनरल इंश्योरेंस में अगर किसी इंसान का लॉस हो गया, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो इंडेमनिफिकेशन में कंपनी कॉम्पनसेशन देकर के उसे फुलफिल कर देती है। अगला पॉइंट है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से है कि जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, वो वारंटी में ये भी लिख करके देती है कि अगर जो इंश्योर्ड है उसने टाइम टू टाइम प्रीमियम जमा किया तभी हमारी गारंटी है और वारंटी है, वरना हम कोई गारंटी नहीं लेते पेमेंट करने के लिए। मतलब ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आपको जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसे टाइम टाइम पे प्रीमियम देना पड़ेगा जब उसका प्रीमियम ड्यू होगा। अगर वो नहीं देता तो इंश्योरर भी कोई गारंटी नहीं लेता कि आपको टाइमली पेमेंट करे या कोई पेमेंट करे, वो भी कंडीशनल है, वो भी चेक किया जाएगा। सेवेंथ वन इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरीके का यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, वन साइडेड। इसे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंश्योरर है और एक इंश्योर्ड है, क्योंकि इंश्योरर की जिम्मेदारी बनती है तब तक जब तक वो पॉलिसी खत्म नहीं हो जाती। मतलब इंश्योर्ड ने एक बार जब इंश्योरेंस करा लिया तो उसका दायित्व खत्म हो गया, अब उसे सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि वो टाइम टाइम पे प्रीमियम भरे। लेकिन इंश्योर्ड की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि अगर क्लेम देना हुआ तो ये इन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए इंश्योर्ड ने अगर 20 साल का इंश्योरेंस कराया है और ये टाइम टाइम से अपना प्रीमियम भर रहे हैं, तो जिम्मेदारी जो है वो इंश्योरर की ही है कि वो टाइम, अगर कोई इवेंट ऐसा होता है तो इनको कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा। लास्ट वाला बोल रहे हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अराइव्ड बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये म्यूचुअल नेगोशिएशन से नहीं होते। अगर आपको कोई इंश्योरेंस कराना है और अगर आपको सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं और आप उसी कंडीशंस में इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपका इंश्योरेंस होगा, वरना आप अपनी मर्जी से म्यूचुअल नेगोशिएशन करके उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते और आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। उम्मीद है आपको लाइफ इंश्योरेंस चैप्टर पसंद आया होगा।
कोई सजेशन या कमेंट करने के लिए प्लीज नीचे कमेंट्री बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।